ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो कि ऑन एन एक्सपेक्टेड आप कितना रिटर्न गेन कर सकते हो, 5 से 10 साल में आप 10 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका इतना पैसा तो बढ़ ही जाएगा और ये रिटर्न्स आपकी एफडी के हिसाब से तो काफी अच्छे हैं। ये पर एनम रिटर्न है। अगर आप 5 से 10 साल होल्ड करके रखते हो तो आपको हर साल 10 से 20% का रिटर्न मिलेगा, तो आपको अच्छा खासा पैसा, मतलब समझो अगर आपको 10 साल का रिटर्न मिला, हर साल 10 साल का रिटर्न हुआ तो 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, इतना तो एफडी में नहीं मिलता, और हर साल 20% का रिटर्न मिला तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। और अगर आप एफडी में जाओगे, आज एफडी भी बुक कराते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि एफडी की रिटर्न मुश्किल से 4-5% है। इसका मतलब क्या हो पता है, उसमें भी टैक्स लगता है। तो अगर आप एफडी में अपना पैसा रखते हो ना 1000 रुपए, और ये 5% की रिटर्न है जिसमें अगर आप टैक्स फिक्स काट दो तो 3% की रिटर्न रह जाती है। इस हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो 40 साल में पैसा डबल होगा, इतना कम रिटर्न। तो एफडी और आरडी में कोई फायदा नहीं है, बेटर है कि आप इनको इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में, और बेटर है कि मैं तो कहूंगा अच्छी कंपनी के शेयर ही खरीद लो।